ऊर्जा है, और क्रोध एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जिसको करते वक्त आदमी कोई भी राजनीति नहीं करता। करता है कोई ना? क्रोध के वक्त कोई राजनीति नहीं होती, क्रोध के वक्त छोटा बड़ा नहीं होता, क्रोध के वक्त किसी तरीके का जो है स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता, क्रोध रिश्ते नाते नहीं देखता। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि क्रोध जो है वो दत्त को उपलब्ध हो गया? क्रोध शुद्धतम करो, ऐसा वाला मत करो, ऐसा वाला मत करो, अंदर अंदर से आराम रोक रहे हो वो वाला मत करो। किसी भी ऊर्जा को रोकना अच्छा नहीं। पानी को रोकोगे वो एक दिन बांध तोड़ देगी, तबाही लाती। क्रोध को दबाओगे, छोटे छोटे क्रोध जब दबाए जाते हैं तो बड़े बड़े आतंकवादी पैदा होते। जो लोग छोटे छोटे क्रोध नहीं कर पाते वो बहुत बड़ी हिंसा करते हैं। मैं निकाल देता हूँ और एक बात बताता हूँ, क्रोध करता हूँ पूरे मन से, प्रेम करता हूँ पूरे मन से। ओशो ने बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाई थी इससे संबंधित। उन्होंने कहा था एक बार एक व्यक्ति शादी करके गौना करा के अपनी पत्नी को वापस ला रहा था अपने साथ। उसकी पत्नी उस समय घूंघट में थी, लेकिन वो स्त्री बड़ी दिव्य रही। उस स्त्री को एक चीज तो थी कि मेरा पति मुझे ऐसा चाहिए जो बहुत प्रेम करे। हर स्त्री यही चाहती कि उसका पति उसे बहुत प्रेम करे। लेकिन वो दौर जमाना वो था कि घूंघट में थी, उसने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था। और वो उसको लेके आ रहा घोड़ा गाड़ी पे लेके अपनी पत्नी को आ रहा। बीच में कहीं ऐसा हुआ कि घोड़ा थोड़ा ठिठक गया और उसने ठिठक में आगे चलने से मना कर दिया। वो बार बार घोड़े को एक दो मारा उसने एक दो बार, लेकिन घोड़ा आगे नहीं चला। उस व्यक्ति को क्रोध आया, वो नीचे उतरा, उसने तलवार उठाई, घोड़े की गर्दन काट दी। वो जब गर्दन काटी तो उसकी पत्नी उठी और ये देख के उसको लिपट गई, कहने की मैं धन्य हो गई, मुझे वो आदमी मिल गया जो मैं खोजती थी। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण क्रोध नहीं कर सकता वो पूर्ण प्रेम भी नहीं कर सकता। क्या बात है, जो पूर्ण क्रोध नहीं कर सकता वो पूर्ण क्षमा भी नहीं कर सकता। तो जो भी करो पूर्णता से, क्योंकि पूर्णता का मतलब होता है तुमने शिखर छू लिया और शिखर के बाद ढलान आती। पूर्णता के बाद ही ढलान आएगी। कुछ लोग चढ़ते हैं, बार बार चढ़ते हैं, उतर आते हैं, वो शिखर ही नहीं पा पा रहे। और जो शिखर पा जाता है वो ढलान पे आता है। क्रोध जिस समय शिखर पे होता है उसके अगले ही क्षण जो है बहुत बड़ी शांति की घाटी भी होती है। लेकिन क्रोध की तो सबको ऊंचाइयां दिखाई देती हैं, शांति की घाटियां कौन को पता होता है जिन्होंने क्रोध किया होता है। मुझसे पूछो कि जिस दिन मैं क्रोध करता हूं, वो पूर्ण वेग से क्रोध करता हूं, उसकी उसी दिन मैं शांति की घाटी में बैठा विश्राम भी कर रहा होता हूं। इतना सा खेल है। जब ओशो कहते हैं हर चीज को ध्यान बना लो तो क्या क्रोध छूट जाएगा? तब ओशो कहते हैं कि किसी भी चीज को ध्यान बनाया जा सकता है, संभोग से समाधि तक की तो बात बता दी, तो क्रोध छूट गया। तो मैं कहता हूं क्रोध का भी सम्मान होगा, लेकिन क्रोध हिंसक नहीं होना चाहिए। क्रोध अभिव्यक्ति के रूप में है, प्रेम भी अभिव्यक्ति है, क्रोध भी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। बस इतना सा बात।